क्या आप जानते हैं एक विशाल तारे के विस्फोट से उसमें से बाहर क्या निकलता है और वैज्ञानिक इतने दूर हुए विस्फोट को कैसे देख लेते हैं? तारों की मृत्यु क्यों होती है? वो तो जीवधारी भी नहीं होते। इन तारों की दूरी सैकड़ों हजारों लाखों किलोमीटर में नहीं होती है, इनकी दूरी लाइट ईयर्स में होती है, फिर भी साइंटिस्ट कैसे देख लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए आप ऐसे ही इस वीडियो में बने रहिए, आपको सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वनेस, स्वागत है आपका वनेस चैनल में। तो चलिए दोस्तों अनुहतुरी करते हैं। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि एक लाइट ईयर एक साल में लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट ने जितनी दूरी तय की होगी वह एक लाइट ईयर के बराबर होती है। जब भी कोई स्टार मरता है उसके पहले उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, उसका मास नेबुला के रूप में फैल जाता है। तारों की मृत्यु न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटी और मास पर निर्भर करती है। तारों के पास जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ही अधिक मास होगा। अधिक मास होने पर ग्रेविटी के कारण कोर का तापमान बढ़ जाएगा और मजबूत फोर्स के पार्टिकलों का मटेरियल धीरे धीरे बर्न होने लगता है और स्टार जल्दी ही डेड होने की अवस्था में आ जाते हैं। जब भी तारे का सारा मटेरियल फ्यूज हो जाता है तो इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। तारे की न्यूक्लियर एनर्जी फोर्स जो मटेरियल को बाहर की ओर ढकेलता है और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर ढकेलता है, जिस कारण से स्टार बैलेंस नहीं कर पाता है। उसमें से तारे का 50% मास बाहर निकलकर कोर के चारों तरफ फैल जाता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं, और बचता है तारे का कोर जिसे हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। वाइट ड्वार्फ बिंदु डॉट के रूप में अरबों खरबों साल तक चमकते हैं, फिर यह भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह कुछ एजी कैरिना स्टार के साथ घटित हुआ था। लुमिनस ब्लू वेरिएबल नाम का विशाल स्टार विस्फोट के बाद बेहद चमकीला दिखाई दे रहा था। कैरिना कॉन्स्टेलेशन के तारा मंडल का एक विशाल सितारा है। इस विशाल सितारे का रेडियस 50 से 500 सोलर रेडियस होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एजी कैरिना की तस्वीर को 23 अप्रैल 2021 को जारी की थी, जिसमें भयंकर विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ करीब 5 प्रकाश वर्ष का नेबुला है। पृथ्वी से लगभग 20,000 की लाइट ईयर की दूरी में है। यह नेबुला स्टार के निकले हुए मटेरियल का बना है। तारे के विस्फोट से निकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस लाल रंग की नजर आ रही है। उससे निकलने वाली धूल नीले रंग की दिखाई दे रही है। सितारे की अल्ट्रा वायलेट रेज और विजुअल किरणों की मदद से हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैमरे में कैद किया। बता दें कि इस तारे का विस्फोट लगभग हजारों साल पहले हुआ था। जब भी स्टार अपना बैलेंस बनाते हैं तो उसमें लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तारे के मटेरियल को अंदर की ओर पुश करते हैं और रेडिएशन के बाहरी दबाव के बराबर होने के कारण स्टार अपना संतुलन खो देता है। कैरिना जैसे भारी मास वाले स्टार भयंकर विस्फोट के साथ फैल जाता है, स्टार के मटेरियल का बैलेंस बना रहता है। एजी कैरिना लुमिनस ब्लू वेरिएबल श्रेणी के स्टार में 2 मोड़ होते हैं। पहले मोड में शांत और दूसरे मोड में विस्फोट के दौरान सूर्य से भी बहुत अधिक चमकदार दिखाई देते हैं, इसी कारण टेलीस्कोप की नज़र में आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। प्लीज वीडियो को शेयर भी करो यार।